हे गाइस, सब सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हो एकदम परफेक्ट और टेस्टी स्वादिष्ट चीज़ मोमोज। तो ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हम एक बाउल में 1 कप के करीब मैदा ले लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच तेल और इन सारी चीज़ों को अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना होगा पानी। अब ज़रूरत अनुसार थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसके एकदम स्मूथ सा आटा गूंद दीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। फिर हम इसके ऊपर और 1 चम्मच तेल डाल देंगे और इसे इस तरीके से अच्छे से फैला के इसे फिर से 1 से 2 मिनट के लिए गूंद देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर आप इसे ढक्कन या कपड़े की मदद से ढक के साइड में रख दीजिएगा। फिर एक कढ़ाई में लीजिएगा 2 चम्मच के करीब तेल। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और इन सारी चीज़ों को 30 सेकेंड के लिए मीडियम आंच पर अच्छे से पका लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज और इसे भी 30 सेकेंड के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसके साथ। फिर हम इसमें डालेंगे एकदम कद्दूकस की हुई यानी ग्रेट की हुई कैरेट और इसे भी 30 सेकेंड के लिए पकाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची और 2 बड़े कप बारीक कटी हुई गोभी, पत्ता गोभी, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर जैसे ये सब मिक्स हो जाए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार कम ज़्यादा, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे केवल 1 मिनट के लिए। आप इसे बिल्कुल ओवर कुक मत कर दीजिएगा। फिर आप इसे किसी बाउल या प्लेट में निकाल के इसे एकदम अच्छे से ठंडा कर दीजिएगा इस पूरे मिक्सचर को। फिर हम इसमें डालेंगे ग्रेट की हुई चीज़, जरूरत अनुसार आप कम ज़्यादा डाल सकते हो चीज़। और फिर आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। आप इसके अंदर मोज़रेला या प्रोसेस चीज़ कोई भी डाल सकते हो, बिल्कुल आपकी चॉइस है। और फिर हम इस फिलिंग को साइड में रख देंगे। फिर से हम हमारा डो जो है उसे ले लेंगे और इसे फिर से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। और फिर हम इसका थोड़ा सा हिस्सा अपने हाथ में लेंगे इस तरीके से और इसे रोल करके इसकी एक बॉल बना लेंगे। फिर एक किसी फ्लैट सर्फेस या चकले पर थोड़ा सा मैदा छिड़क के इसे उसके ऊपर रख देंगे और एक बेलन की मदद से हमें इसे अच्छे से पतला सा बेल लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हो। फिर हम इसके बीच में 1 चम्मच के करीब फिलिंग रख देंगे जरूरत अनुसार। और फिर आपको इस तरीके से इसे फोल्ड करना, आप जैसे चाहो इसे फोल्ड कर सकते हो। मैं इसे एकदम बेसिक तरीके से फोल्ड कर रहा हूँ, आप जैसे चाहो वैसे इसे शेप कर सकते हो, बिल्कुल आपकी चॉइस है। और लास्ट में हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके पैक कर लेंगे सेंटर से। फिर हम इस तरीके का कोई बड़ा सा बर्तन या स्टीमर ले लेंगे और इसके अंदर हमें डालना होगा लगभग 2 कप के करीब पानी। और पानी डालने के बाद हम इसे ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पर पानी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम एक तरीके की कोई बड़ी सी छन्नी या जो स्ट्रेनर की ट्रे होती है वो ले लेंगे स्टीमर की ट्रे और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। तेल लगाने के बाद हम इसके ऊपर हमारे जो मोमोस है उसे इसके ट्रे पर रख देंगे। मोमोस को थोड़ी दूरी पर रखिएगा। फिर हम इसे ढक्कन लगा के अच्छे से 10 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। और 10 मिनट बाद आपके मोमोस स्टीम हो चुके होंगे, आप इसे ढक्कन हटा लीजिएगा और इन मोमोस को 1 चम्मच की मदद से निकाल के तुरंत ही गर्मा गर्म सर्व कीजिए और इसे एंजॉय कीजिए। इनका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।